ये देख लो पहले, ये जो मैंने को दिखाया ना ब्रेड रोल्स, क्या लगते हैं ये आपको? ये बेटा ऐसा लगता है गुल्ली है, कि मन करता देख के कि गुल्ली डंडा खेल लो इससे। पहले पहले बचपन में हम सच्ची खेला करते थे ना गुल्ली डंडा, ये लगती गुल्ली है ये करी ठा। तो भैया देखो मुझसे बड़ी ब्लॉगर तो ये है। What's up people, welcome back to Mile Chasers, you're watching a beautiful YouTube channel और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, I woke up at 6 but then सुबह मेरी shift थी आज early morning, so वो थोड़ी सी निपटाई, तो अब आप सबसे मिल रहा हूँ। और अभी आपको एक बहुत ना ऐसी चीज़ दिखाता हूँ कि मतलब मेरे को सुबह सुबह देख के इरिटेशन हो गई है, आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं होगी, बट देन मारे को होती है। तो गाइस आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि हमने स्पाइक्स लगाए थे इधर ताकि पिजन्स ना बैठे यहाँ पर, उन्होंने बहुत आतंक फैला रखा था। और यहाँ पर उनका एक नेस्ट भी था जो हमने हटाया नहीं था क्योंकि उसमें एग्स थे, बट जब वो हैच हो गए तो हमने हटा दिया और तब ये स्पाइक्स लगाए ताकि यहाँ पर ये आ ना पाए। बहुत ज़्यादा आतंक फैला देते हैं यार, मतलब गंद फैल जाता है यहाँ पर, बट देन वो तो डीट हैं, दे आर बैक अगेन। और ये देखो ये घुसे हुए जगह में दोबारा, तार पर चढ़ के बैठ गया, मतलब हद। और ऐसा नहीं कि तार में जाने की जगह थी, यहाँ पर भी स्पाइक्स थे, एंट्री भी बैंड थी यहाँ से पूरी, बट फिर भी घुस गए हैं। और एक और कबूतर आया इधर। तो अब यार इनका कुछ तो इलाज दोबारा से करना पड़ेगा, यहाँ बैठने नहीं दिया जा सकता इनको, बहुत गंद फैला देते हैं। ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये पहला दिन है और यही शुरू हो गया इनका घोंसले का गंद और इनका अपना गंद। मोदी जी क्या कहते हैं, खुले में शौच मना है, तो इनको कैसे करने देंगे हम? तो इनका वॉशरूम बना देते हैं छोटा सा। कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आतंक नहीं फैलाने देंगे अपने घर में। मैंने पहले भी बोला है हमारे यहाँ के बैठना अलाउड है, लेकिन हमारे घर में घर बनाना नॉट अलाउड। सो गाइस आज इतनी गर्मी नहीं है जैसे यूजुअली हो रही थी, उबल रहा था कुछ दिन से तो। और बैकयार्ड बहुत सुंदर हो रहा है, मैं आपको एनिमल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट थोड़ा टफ है आपको दिखना, बट आई कैन सी देम राइट देयर, वहाँ पे डियर है, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, दे आर स्टैंडिंग राइट देयर। ये रही अपनी गाउन वाली, रोज सेम रिएक्शन है, गाउन वाली बोलता हूँ ऐसे देखते हो हंसते हो वापस अपना काम करने लग जाते हो। पता नहीं होता ना कि तुम कुछ शूट कर रहे हो। आज बन रहे हैं मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स ब्रेड रोल्स। हाँ भैया मस्त बनते हैं यार, ये देखो स्टफ देख लो, स्टफ देख के मजा आ जाता है ना पहले ही। मैं खाऊंगा ब्रेड रोल्स और आप क्या खा रहे हो? हम लोग तंदूर के आलू पराठे। तंदूर के आलू पराठे, मतलब बातें सुन लो, तंदूर के आलू पराठे। और ये लड़की भी वही खाने वाली है ना? मैं तवे के खाऊंगी। हाँ ये तवे के खाने वाली शौकीन है, तवे के खाएगी तू, तंदूर के क्यों नहीं खाएगी? वो मुझे बहुत मोटे मोटे से लगते हैं और कड़क कड़क हो जाते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। कम हेल्दी तो होते हैं लेकिन। तो मेरा तवे का भी हेल्दी होता है। कैसे होता है वो? क्योंकि मैं उसको घी में नहीं तलती, मैं उतार के फिर घी लगा के, ये बटर नहीं, सिर्फ घी लगा के तब खाती हूँ। तुझे पता है इस बात पे जेल हो सकती है अगर पराठे बिना घी के बनाए जाए ना, वो जेल देने वाली सजा होती है उस पे। और फिर बाहर नहीं आते उसमें कभी भी, नॉन अवेलेबल होता है वारंट, कुछ भी बोलेगा। हाँ ये देखो जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है, सुबह 6 बजे से काम कर रहा हूँ यार। वेरी गुड भाई, बहुत किलर बनते हैं, बनेंगे ना आपको दिखाऊंगा। मम्मी ने एक बहुत सही बात बोली अभी, ये देख लो पहले, ये जो मैंने को दिखाया ना ब्रेड रोल्स, क्या लगते हैं ये आपको? ये बेटा ऐसा लगता है गुल्ली है, कि मन करता देख के कि गुल्ली डंडा खेल लो इससे। पहले पहले बचपन में हम सच्ची खेला करते थे ना गुल्ली डंडा, ये लगती गुल्ली है ये करी ठा। तो भैया देखो मुझसे बड़ी ब्लॉगर तो ये है, इनका थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है, क्यों इतना चल रहा है दिमाग? गिल्ली डंडा खेलेंगे मेरे इनसे बना के, मुझे दो, भूख लगी है उनसे, गिल्ली नहीं है वो। इसका लुक जो है ना वही आता है गुल्ली वाला, ये गुल्ली है, जब तुम खाने बैठोगे ना बेलन से इसको ठा करके तुम्हें देंगे हम। फालतू की बातें हो रही हैं यहाँ पे, एकदम फालतू की। लव सच कह रही हूँ, ऐसी गुल्ली की शेप होती थी ये। आपको ये गिल्ली डंडा वाली गिल्ली लग रही है तो भाई कमेंट करके बताओ, क्योंकि मम्मी को लग रही है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी खेली नहीं। हम तो क्रिकेट खेलने वाली जनरेशन के है ना यार, पर वही है ये। ये देखो भैया ये प्यार है, प्यार ये फ्राइड है।
खाता हूँ, इतने टाइम बाद खा रहा हूँ, मैं कौन से रोज खाता हूँ ये। उस दिन तो छोले भटूरे खाए थे तो बर्न नहीं कर रहे थे, आधी बर्न करूंगा। भैया हमारी सिंपल पॉलिसी है, खाओ और बर्न करो, लॉकडाउन में इतना तो बनता है यार। क्या कलर आया है, यही तो कलर चाहिए होता है। अब ये तो बताओ इसके अंदर जादू भी छुपा है। कोई जादू नहीं है इसमें, सही में चीज है, चीज थोड़ा सा चीज है मेरे उसमें, इतना क्या हो गया। एक ना आपको चीज दिखाता हूँ इसमें, अभी चीज नहीं चीज दिखाता हूँ, खटना अम्मा जरा उसमें रख दे, हटो तो सही, आवाज सुनो। चाकू तेज कर रहे हो, धार इसकी, आवाज सुनी। हे मम्मा अच्छे बंदे हैं, इनके जैसे बनो। When life gives you mummy, become like this mummy, जो हमारे vlogs देख रही हैं बैठकर। सब अपने मम्मी पापा को vlogs दिखाओ, अच्छे लगेंगे क्योंकि हमारा एकदम family content होता है। और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपको मैंने बताया था कि कबूतरों का इंतज़ाम आज दोबारा से होने वाला है। एक और मशक्क़त शुरू हो चुकी है उनका भगाने की, ताकि वो ना आ पाए। ये मेरा ग्रीन नेट है जो ऊपर लगा हुआ था, उसका टुकड़ा काट के कहाँ पे ऊपर लगाओगे ना इसका टुकड़ा। अभी लगाते हैं, ये शायद लेफ्ट वाली साइड से अंदर घुस रहे हैं जहाँ पे स्पाइक्स नहीं लगे हुए, सब हम यहाँ से कवर कर देंगे। लेट्स सी रुकते हैं कि नहीं। हाय गाइस, सुबह से मैंने आप लोगों को हेलो हाय नहीं बोला था तो सोचा अब कर देती हूँ। अभी आज बड़ा एहसान कर रही है भाई, बड़ा एहसान कर रहा है आप लोगों पर इसने। नहीं सुबह से नहीं कर, तो सोच रही थी कि कर देती है। नहीं मैं सब आप बहुत अपने आप को विद्वान मानो इस चीज में, मतलब धन्य हो गए हो आप लोग कि यशवी ने आपको हाय कर दी। नहीं मैं मिस कर रही थी, मैं ग्रीट करना चाहती थी तो सोचा कि जब मैं अच्छे से उसमें आ गई हूँ कि चलो अब मैं सोई सोई भी नहीं लग रही और काम भी सारा हो गया तो क्यों ना अब मैं हेलो बोल दूं। बोल दिया, बोल दिया। और ये भी बताना था कि आज हम निकले प्लांट्स शॉपिंग के लिए, आज हम प्लांट्स लेने जा रहे हैं। हाँ तो उसको नर्सरी हॉल भी कहते हैं वैसे टेक्निकल टर्म्स में। हाँ तो हम नर्सरी जा रहे हैं आज। हाँ नर्सरी जा रहे हैं, आपको पता है हमारा रोज शाम का रिचुअल तो है ही, कहीं ना कहीं तो निकलना है, नहीं निकलो तो थोड़ा अजीब सा लगता है यार कि कुछ भी नहीं करा। तो आज वैसे हमारा थोड़ा दिन से ड्यू था कि नर्सरी जाना है, बट वही था यार लॉकडाउन भी था, बट लॉकडाउन खोलने के बाद भी ना थोड़ा मन नहीं मान रहा था कि अभी जाया जाए थोड़ा, क्योंकि केसेस ज्यादा थे, थोड़े कम हो गए तो सोचा निकलते हैं थोड़ा सा दो चार प्लांट्स लेकर आए। आपको पता ही है मैं तो शौकीन हूँ ही भाई, देखो सिंपल बात है। सो गाइस आज फिर से सफारी निकाल ली है मैंने, क्योंकि कल हमने इसे पीछे कर लिया था तो पीछे ही थी तो निकाल ली। मजा आता है यार इसके साथ ना, अलग ही फीलिंग है जब ये चलाओ, अलग ही मजा आता है। मुझे नहीं आता मजा। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं इसमें एफएम या कुछ चला नहीं सकती। हाँ इसका थोड़ा रेडियो का इशू रखा है यार, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरी तो फेवरेट है भाई ये फेवरेट। बट यार एक चीज और थी कि आज ना सरप्राइजिंगली जब हम बाहर निकले हैं तो मौसम अच्छा हो रहा है। मतलब अभी आपको थोड़ी धूप वगैरह दिख रही होगी, बट देन हवाएं चल रही हैं। नहीं बहुत ठंडी ठंडी हवा, इसलिए मैंने सोचा चलो और प्लांट्स वाले एरिया में चले जाएं, नर्सरी चले जाएं। बिल्कुल सही बात है यार, और ये सोचो यार ऐसा होता नहीं है, कुदरत थोड़ा सा ना मेहरबान हो रही है हम पे, और आई एम प्रीटी श्योर कि कल या परसों में बारिश होगी इधर। देख रहे हैं अभी, बट अच्छे आ रखे हैं, बट इस टाइम थोड़े से ना एक्सपेंसिव हो रहे हैं प्लांट्स, बिकॉज अब तीन चार महीने बाद हम लोग आ रहे हैं, नर्सरी भी बंद थी। बट अभी कोशिश करते हैं, देखते हैं, हमारी तो हमेशा की नर्सरी यार, बात बात करते हैं कितना आगे ना हो पाता है, बट लेट्स सी। दो चार तो मैं लेके जाऊंगा, ये तो 100% है, क्योंकि नज़र में आ गए, अगर नज़र में आ गए तो चाहिए, फिर मांगता है। लेट्स सी चलो देखते हैं। भाई साहब कितना ट्रैफिक है। और अपडेट ये तो हमने दी नहीं है कि हम दूसरी नर्सरी जा रहे हैं, वहाँ पे तो यार बहुत ही महंगी, मतलब आग लगा रखी है उसने। मैंने कहा ना भाई हमें भी पता है कितने के प्लांट्स मिलते हैं, तो वहाँ से नहीं लिए। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट नर्सरी, वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे कौन सी है, क्या सीन है। कितनी सारी नर्सरीज है ना यहाँ पे। Yes, ये ना छतरपुर के यहाँ पर है वाली नर्सरीज, और ये एक साथ 10 या 11 नर्सरीज होती है इधर। सो अगर ऐसे कहते हैं ना कि प्लांट्स का हब है अगर कोई, तो ये है। तो अगर आप कभी प्लांट्स ले रहे हो ना, तो यू कैन टोटली चेक दिस प्लेस आउट, आपको एक से एक नर्सरीज और एक से एक प्लांट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। बट बात ये है कि ये थोड़ा सा दूर पड़ता है हमारे वहाँ से, बट देन वहाँ पर जितना रेट था तो हमने कहा यहीं आके लेंगे, और ये हमारी फेवरेट नर्सरी जहाँ से हम हमेशा ले लेते हैं जब ज़्यादा प्लांट्स लेने हो। अब वहाँ पर हम आ गए हैं, ये है ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड, तो यहाँ लगाते हैं, लेट्स चेक दिस प्लेस आउट।
थोड़े से ही प्लांट्स खरीदे हैं। अब ये भी चले जाएंगे हमारे टेरेस गार्डन में। So guys, this was the other nursery that we checked out, और यहाँ भी अच्छे मिल गए यार। आपको घर चल के सारे प्लांट्स दिखाएंगे। आज मौसम ठंडा होगा, और वैसे ही बोला हुआ था यार, जिस तरह से बन रहा था ना सीन, 100% पता चल गया था कि बारिश है। वाह, ये मेरी आज की प्लांट शॉपिंग है, कल दिखाऊंगा। अभी जो दिखाना है ना भाई, ये सीन हो जाए तो हम तो भाई पागल हो जाते हैं। बारिश शुरू हो गई है और ठंडा। ओए ओए, ये देखो, ये दूध लेकर आए हैं, ये गाउन वाली दूध पी रही है। ये देख लो इन्हें भाई, ये बॉटम्स अप मारेंगे, दूध का बॉटम अप सब। बियर नहीं पीते। थोड़ी सी बारिश बंद हुई है तो मैं कैमरा बाहर लेकर आ गया हूँ, और ये सबसे ज्यादा बारिश को एंजॉय करने बाहर निकलती है सबसे। हाँ, सबसे ज्यादा हमें तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बार पहले भी ना व्लॉग में एक बात बोली थी, अब बारिश जब होती है ना, या तो मेंढक बाहर निकलते हैं जो कि हैं हम। हाँ। कभी कभी सांप भी निकल आते हैं। नहीं, हम तो मेंढक ही हैं। सांप भी निकलते हैं ना? सांप हम है ही नहीं। ये टैडपोल है, मैं तेरे को थोड़ी कहा, मैंने कहा तू टैडपोल है, सांप मैं तो कुछ कहा ही नहीं। मैं सांप हूँ, मैं सांप हूँ, ये मेंढक है, टैडपोल है। बस अब कल से थोड़ी जली हुई रोटी, फीकी चाय, यही मिलेगी। मम्मा, मैं आपकी टीम में हूँ। यही मिलेगी, मैं आपकी टीम में हूँ। अगर उसको ऐसे बोलेगा फिर तो यही मिलेगा, फिर ये फिर तो जली मिलेगी अगर ऐसे बोलेगा उसको तो। थैंक यू, अब हम एक टीम में हैं। अच्छा अच्छा बोलना, ताकि वो कहे कि मैंने बोला मैं सांप हूं, देती हूं ये बना देती हूं। तभी तो बोला अब तुम्हें दूध मिलेगा। सांप दूध नहीं पीते वैसे। गाइस, आपको हमें बारिश दिख रही होगी शायद, यहाँ पे नहीं हो रही है, बट वहाँ पे देखो पूरी वेव्स चल रही है पानी की, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे क्लाउड्स बरस रहे हैं और यहाँ पे नहीं बरस रहे। मैजिकल है एकदम, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। जस्ट लुक एट दैट, पानी पूरा वेव्स किस तरह जा रहा है उधर। पता नहीं आपको कैमरे पे कितना दिख रहा होगा, बट आई कैन क्लियरली मेक दैट आउट। वाओ, ये जिंदगी में एक अलग चीज देखी है भाई। और हवा चल रही है तगड़ी, विंड ब्लास्ट आ रहा होगा अच्छे वाला। मैंने नहीं तोड़ा पापा की, वो गिरी है शायद। यार इतनी तेज हवा, हमारी बेचारी एक बटरफ्लाई टूट के गिर गई है। आपको पता है ना, जो हमारी सोलर सेल्स वाली है उसके ऊपर से टूट के गिर गई, चकनाचूर हो गई बेचारी। श्रद्धांजलि दो चलो सब इसे। रिस्क लेके कैमरा बारिश में बाहर लेकर आया हुआ हूँ शॉर्ट्स बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। भाई बहुत महंगा सेटअप है, और ये सिर्फ ये जो शॉट अभी आए ना, ये चाहिए थे। सो प्लीज़ यार, हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करा करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन पर। रिस्क है यार, कैमरा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बारिश में, बट तो आपके लिए दे देंगे यार, रिस्क लेने की कौन सी बड़ी बात है। त्याग आप पर त्याग, बट चलो हम बारिश एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग जाके हमारा व्लॉग एंजॉय करो। पिछले नहीं देखे तो वो देख डालो, कुछ और होगा तो हम दिखा देंगे, वरना इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। कल मिलेंगे दोबारा अच्छे से एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब माइल चेजर्स और लाइक कर दो। और मम्मी दोबारा बोलेंगी है ना, क्या करें, सब्सक्राइब तो प्लीज करें। जिन जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज प्लीज करो, मैं तो वही बार बार बोलूंगी, बच्चे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ उनको भी आप ध्यान दे लो बस, ठीक है। अब दोबारा से मम्मी की बात नहीं डालनी, और आप कभी नहीं डालते मुझे पता है। सब्सक्राइब कर दो। ये इसने अलग से बोला है भाई। ये पार्ट मैं एडिट कर दूंगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।